जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पार्कम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, टॉपिक पर, और वो है विश्व की प्रमुख झील। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं झील किसे कहते हैं। तो झील वह जल क्षेत्र है, वह जलीय क्षेत्र है जिसका जल स्थिर होता है, जिसमें गति नहीं होती है, और वह जलीय क्षेत्र जो चारों तरफ स्थल से घिरा रहता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि ये जल क्षेत्र है और ये चारों तरफ स्थल से घिरा हो, ये जल है और ये चारों तरफ क्या हो, स्थल हो, और इस जल में गति न हो, उसे क्या कहते हैं, झील। झील वैसा जल क्षेत्र जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो और उस जल में गति न हो, उसे झील कहते हैं। झील दो प्रकार की होती है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। तो हम विश्व के प्रमुख झीलों के विषय में चर्चा किया जाएगा हम लोग, और जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम लोग झीलों को देखते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, ओके। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ये कहाँ है, तो अमेरिका कनाडा के सीमा पर। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में कौन सी है, कैस्पियन सागर। सागर नाम है लेकिन है झील, ओके। सुपीरियर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में कौन है, तो सुपीरियर झील। सर्वाधिक लवणता यानी नमक की मात्रा किस में सबसे ज्यादा है, तो सर्वाधिक लवणता वाली झील है वान झील, कहाँ है, तुर्की में है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, वान झील, और ये तुर्की में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो नौका गम्य हो, जहाँ नैया विया चले, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो नाव चलने योग्य हो वो है टिटिकाका। टिटिकाका कहाँ है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। तो सर्वाधिक ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, टिटिकाका, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और अगर नौकागम्य न दे सर्वाधिक ऊंची झील, तो ठीसो सिकरू, ठीसो सिकरू जो कहाँ है, तिब्बत में है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, ठीसो सिकरू, कहाँ है, तिब्बत में है। और सर्वाधिक ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, जहाँ नैया उया चले, तो वो कौन सी है, तो वो है टिटिकाका। टिटिकाका कहाँ है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, ओके। झील के अंदर झील, तो मेनिटू, मेनिटू, झील के अंदर झील अगर पूछेगा तो मेनिटू, ओके। झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं। झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं, फिनलैंड को। हजार झीलों का देश भी फिनलैंड, ओके। सर्वाधिक नीची झील कौन सी है विश्व में, तो मृत सागर। सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, मृत सागर, ये कहाँ है, जॉर्डन में है, कहाँ है, जॉर्डन में। सर्वाधिक गहरी झील कहाँ कौन सी है, तो बैकाल झील। सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील, और कहाँ है, रूस में है। सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील जो रूस में है। अब रूस में स्थित कौन कौन झील है हम लोग देख लेते हैं। तो रूस में तीन झील जरूर याद रखिए, बैकाल झील और ओनेगा झील और लेगोडा झील। बैकाल, ओनेगा, लेगोडा, बैकाल, ओनेगा, लेगोडा, बैकाल, ओनेगा, लेगोडा, ये झील कहाँ है, तो रूस में है। बैकाल झील रूस में, ओनेगा झील रूस में, और लेगोडा झील रूस में है, ये आप याद रखिए। टिटिकाका हम लोग पढ़ ही लिए, टिटिकाका कहाँ है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, सर्वाधिक ऊंची नौकागम्य झील है। बालखस झील कहाँ है, कजाकिस्तान में। बालखस झील
कजाकिस्तान, ये कई बार परीक्षा में आया है, बालकस झील कजाकिस्तान, कजाकिस्तान बालकस झील, कजाकिस्तान में कौन सी झील, बालकस झील। कनाडा में कौन कौन झील है, तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, रेंडियर झील और बीनीपेग झील। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर और बीनीपेग, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेंडियर, बीनीपेग। एक बार बोलिए मेरे साथ, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेंडियर और बीनीपेग, ये चार के चारों झीलें कहाँ हैं, तो कनाडा में है, कहाँ हैं, कनाडा में हैं। रुडोल्फ झील केन्या, रुडोल्फ झील केन्या, रुडोल्फ झील केन्या, केन्या में कौन सी झील, रुडोल्फ झील। अगला ग्रेट बिट्टर झील और तिमसाह झील, ग्रेट बिट्टर और तिमसाह झील ये कहाँ है, मिस्र में है, कहाँ है, मिस्र में। और साथ ही ग्रेट बिट्टर झील जो है ये स्वेज नहर के पास स्थित है, स्वेज नहर जो इसी झील से संबंधित है, तो स्वेज नहर के पास कौन सी झील है, ग्रेट बिट्टर झील, कहाँ है, मिस्र में। तो मिस्र में ग्रेट बिट्टर और तिमसाह झील ये कहाँ है, मिस्र में। ओके, अब आते हैं ताना झील कहाँ है, तो ताना झील इथोपिया में है और ब्लू नील का उद्गम, ब्लू नील नदी जो है ये इसका उद्गम है, ताना झील ब्लू नील नदी का उद्गम है, कहाँ है ताना झील, तो इथोपिया, ताना झील इथोपिया, ताना झील इथोपिया। वोस्तोक झील अंटार्कटिका में है, वोस्तोक झील कहाँ है, अंटार्कटिका, ताना झील इथोपिया, वोस्तोक झील अंटार्कटिका। क्योगो झील युगांडा, क्योगो झील युगांडा। उर्मिया झील ईरान, ईरान उर्मिया, ईरान उर्मिया। आयर, आयरे झील या आयर झील, टोरेंस झील, ये आयर झील और टोरेंस झील ऑस्ट्रेलिया, आयर झील और ओरेंस झील ऑस्ट्रेलिया, आयर ओरेंस, आयर ओरेंस झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, इसे सिकुर्ति झील कहते हैं, तो अरल सागर को सिकुर्ति झील भी कहते हैं, अरल सागर को क्या कहते हैं, सिकुर्ति झील। टंगानिका झील तंजानिया और कांगो में है, टंगानिका झील तंजानिया और कांगो, टंगानिका झील तंजानिया और कांगो में है। साथ ही एक और झील याद रखिए, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील ये कहाँ है, तो केन्या तंजानिया और युगांडा, युगांडा की सीमा पर है, विक्टोरिया झील केन्या तंजानिया और युगांडा की सीमा पर है, और नील नदी इसी विक्टोरिया झील से निकलती है, तो विक्टोरिया झील केन्या तंजानिया युगांडा और इसी से नील नदी निकलती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब आते हैं फिंगर झील, फिंगर झील ऐसे हैं और ये कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। फिंगर झील में पांच झील आती है, सुपीरियर, यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटोरियो, सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी, ओंटोरियो, सुपीरियर, यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटोरियो, सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी, ओंटोरियो। ये पांचों झील में आपको याद रखना है, मिशिगन झील ये पूरी तरह से अमेरिका में है, मिशिगन झील ये पूरी तरह से अमेरिका में है, बाकी चार झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में है और ये चारों झीलें कहाँ हैं, तो ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं। केवल अमेरिका में स्थित पूर्ण रूप से झील कौन सी है, तो मिशिगन। तो ये फिंगर झील में कौन कौन है, तो फिंगर झील में पांच झील हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटोरियो। साथ ही हम लोग देखेंगे सर्वाधिक लवणता वाली झील विश्व में, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं परीक्षाओं में, तो सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन कौन सी है, तो तीन झील याद रखिए, वान झील तुर्की में, वान झील कहाँ है, तुर्की में। मृत सागर जॉर्डन में है, ये सबसे लवणता वाली झील कौन सी है, वान झील, वान झील इसको जानिए,
वान झील, ये तुर्की में है। दूसरे नंबर पर मृत सागर जॉर्डन में है। और तीसरे नंबर पर ग्रेट साल्ट लेक, ये कहाँ है तो अमेरिका में है। तो ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है? अमेरिका में। तो हम लोग फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कैसे। सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सर्वाधिक लौटता वाली झील वाइन झील। सर्वाधिक ऊंची नौकागम्य झील तो टिटिकाका। सर्वाधिक ऊंची झील ठीसो सिक्रू। उसके बाद झील के अंदर झील मेनिटू। झीलों की वाटिका फिनलैंड। सर्वाधिक नीची झील मृत सागर। और सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील कहाँ है? रूस में। अब रूस की झीलों को देख लेते हैं, बैकाल झील, ओनेगा झील, लैगोडा झील कहाँ है? रूस में। टिटिकाका झील पेरू बोलिविया की सीमा पर है। बालखस झील कजाकिस्तान, बालखस झील कजाकिस्तान। कनाडा में कौन कौन है? तो ग्रेट स्ले, ग्रेट बियर, रेंडियर और बिनीपेग झील कहाँ है? कनाडा में। रुडोल्फ झील कहाँ है? केन्या में। मिस्र में कौन कौन है? तो ग्रेट बिट्टर और तिमसा झील। ग्रेट बिट्टर और तिमसा झील कहाँ है? मिस्र में है। ताना झील इथोपिया। ब्लू नील नदी यहीं से निकलती है। वोस्तोक झील अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में झील कौन सी है? वोस्तोक। क्योगो झील युगांडा। उर्मिया ईरान। आयर एवं टॉरेंस झील ऑस्ट्रेलिया, आयर ऑस्ट्रेलिया, टॉरेंस ऑस्ट्रेलिया, आयर ऑरेंस ऑस्ट्रेलिया। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। टंगानिका झील तंजानिया और कांगो, टंगानिका झील कहाँ है? तंजानिया और कांगो। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वान झील नंबर एक। दूसरे नंबर पर मृत सागर जॉर्डन में, वान झील तुर्की में। और तीसरे नंबर पर ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है? अमेरिका में। फिंगर झील किसे कहते हैं? तो पांच झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, मिशिगन को छोड़ करके। कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटोरियो। तो दोस्तों, ये विश्व की प्रमुख झीलों के विषय में हम लोग मिलकर के चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें याद हो गई होंगी। आप वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे तो ये कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट्स लिखिए अगर हमारी जो कमियां हैं उसके विषय में, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बताइए, जिससे हम आने वाले और वीडियो में उसमें सुधार करें, जिससे एक अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त हो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।